हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप लेडीज कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसे बिगनर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, उल्टी तरफ से ये ऐसा दिखाई देता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये बॉर्डर बनाने के बाद जैसे ही मैंने ये डिजाइन स्टार्ट किया है तो वही आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला फंदा हमने उतार लेना है, अगले 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे हैं जो 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 1 फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ हम 2 के 3 फंदे बना लेंगे। यही 4 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है पूरे रो में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो लास्ट वाला फंदा हमने सीधा ही बना लेना है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा बनाएंगे और ये फंदा भी। ये 3 फंदे उल्टे आएंगे और 2 फंदे सीधे आएंगे। जो इस तरफ से हमने उल्टे बनाए थे वो इधर सीधे आएंगे और ये डिजाइन वाले फंदे हमारे 3 उल्टे आएंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है हमें। ये फंदे बार बार हमारे रिपीट होते जाएंगे पूरी रो में। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ हमने क्या करना है, 1 फंदा उतारना है, ये उल्टे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और ये 3 फंदे सीधे हैं हमारे, ये सीधे बना लेने हैं। यही 5 फंदे पूरी रो में हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए। नेक्स्ट रो पे फ्रेंड्स, एज इट इज जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाते जाना है। उल्टे फंदों को उल्टा बना लेना है और सीधे फंदों को सीधा बना लेना है। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं फ्रेंड्स। इस रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बना लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये वाले फंदे को ऐसे पलट लेंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, तो ये 3 सीधे वाले फंदे ले लेंगे और धागा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ एक जाली बनाते हुए 1 फंदा बना देंगे 3 का। ये देखिए, जैसे हमने स्टार्ट किया था, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो वही हमारे पास 4 फंदे वापस आ गए हैं। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार और बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस फंदे को ऐसे पलट लेना है, धागा अपनी तरफ रखना है, 3 फंदों को सीधा लेना है और एक साथ बुन लेना है। अगले 2 फंदे उल्टे। पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 1 फंदा हमारा यहाँ जाली में बड़ा था, तो यहाँ हमारा वो कम हो गया है। हमारे फंदे जितने थे उतने ही इस रो में हो गए हैं। ये रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब उल्टी सिलाई में आए हैं, तो उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेना है, ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे।
यही चार फंदे हमने बनाने हैं पूरी रो में। ये देखिए एक फंदा उल्टा जो तीन का एक किया था और एक ये जाली वाला ये उल्टा और पूरी रो इसी तरह से बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हमने ये वाला डिजाइन देखिए ये उल्टे फंदों पे बनाना है और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हमने उल्टा कर लेना है, शिफ्ट कर लेना है डिजाइन को। हर बार इसी तरह बनाते जाएंगे और हमारा ये सुंदर सा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।